ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। जो आज देव अधिदेव महादेव मुझे लेकर जा रहे हैं, मैंने पुण्य कौन सा करा? क्या पुण्य करा? बस वो पुण्य बता दो, मैंने करा कौन सा, क्या पुण्य है मेरा, क्या पुण्य? शिव जी ने कहा तेरा पुण्य एक ही है, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को दो क्षण श्रवण करा, दो क्षण। हर हर महादेव का शब्द जब कानों में गया, बस वो शब्द ही तेरे जीवन को बना दिया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव तुझ पर पड़ी, तुझे मेरा दर्शन हो गया, कैलाश का धाम मिल गया। कई लोग पहले भजन में गाते थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण। भगवान शिव की अंतिम बिंदु में बेलपत्री के वृक्ष की छांव के कारण तुझे मेरा दर्शन हो। शायद इतने वर्ष की शिव महापुराण में कहा कि नहीं कहा पता नहीं, पर यह पंचामृत शिव महापुराण में एक बात जरूर कहूंगा, अगर जीवन में आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना, ना लगी हो तो छोड़ देना, पर एक बात इस पंचामृत शिव महापुराण में जरूर कहूंगा कि शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, उसके शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर में ज्योत भी नहीं जगा सकते, अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, भोग भी नहीं लगा सकते, प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते, पुष्प भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ, पर कहीं एक बेलपत्र शिव मंदिर की मिल जाए तो उस बेलपत्र को एक बार मस्तक पर जरूर चढ़ा लेना, शंकर स्वयं मिल जाएगा। कहा नहीं कहा पता नहीं, पर उस बेलपत्र का एक फल एक पत्ती हमारे मस्तक पर उसकी छाया ही पड़ गई तो शिव मिल गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है, आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है, इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती, आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला, ठीक है। शिव महापुराण का, शंकर का, शिव महापुराण का एक तत्व कहता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मात्र बैठ जाने पर ही शिव मिल जाए। शिव नहीं है बेलपत्री का वृक्ष, एक पत्ती भी मिल गई, मात्र एक पत्ती बहुत, और उस पत्ती को भी मस्तक पर चढ़ा लिया तो ही शिव मिल गया, और उसका स्मरण उसका स्पर्श सुखदेव। शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ गई थी, पंचामृत चरणामृत, चरणामृत लेने के बाद हाथ को मस्तक पर लगाया जाता है, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हृदय से लगाया जाता है, दोनों में अंतर है। सत्यनारायण भगवान की कथा में जाते हो तो चरणामृत मिलता है कि पंचामृत मिलता है? जम के बोलिए, पंचामृत मिलता है, पर कई लोग पंचामृत लेने के बाद हाथ को सिर पे लगा लेते, जितने लोग सत्यनारायण की कथा जी में कथा में से आए ना उनका देखना, सिर पर कहीं दही चिपका मिलेगा, कहीं घी चिपका मिलेगा,
तो समझ में आ जाएगा कि सत्यनारायण जी की कथा से आ रहा है। पंचामृत मस्तक पर नहीं, पंचामृत हृदय में होना चाहिए, चरणामृत मस्तक पर होना चाहिए। चरण की रज, चरण का एक तत्व रस मस्तक पर चढ़े तो जीवन सार्थक हो जाए। चरणामृत का बस वो भाव मेरे मस्तक पर चढ़ गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन आनंदित हो गया। और पंचामृत आप पीने के बाद में हाथ को हृदय से लगाइए, मेरे भगवान के स्नान की झांकी है पंचामृत। तो पंचामृत कोई साधारण नहीं, भगवान का दर्शन मेरे हृदय में होना चाहिए, मैं उसको रख लूं। ले गए देवराज, शिव पंचायत में निर्णय किया गया। जगत जननी जगदम्बा जी ने कहा कि इस देवराज ने चोरी करी है, केवल कभी दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण नहीं करा, आज केवल चोरी कर। इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले, नहीं, एक पुण्य करा, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन। ठीक, तीसरे श्री गणेश जी महाराज बोले, इसकी बुद्धि में कुछ अच्छा आ गया था, प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटे, थोड़ा पुण्य का भाग। श्री भास्कर देव सूर्य नारायण भगवान बोले, इसके लिए इतना ही काफी है कि इसने शंकर का बेलपत्र का वृक्ष का दर्शन कर लिया, उसका भी पुण्य इसके लिए उतना ही काफी। फिर वही बात आ गई, एक वकील केस हार कर खड़ा हुआ था, गांव का व्यक्ति पूछते हुए गया, उसके पास में एड्रेस था, मेरा बेटा कहीं यहीं रहता शहर में, बता दो ना साहब, काला कोट वाला केस हार कर खड़ा हुआ था वकील, उसने उसको भगा दिया, चल निकल यहां से, जिस ओर धक्का मारा हाथ का इशारा करा, चल चल यहां से, चल यहां से। वो गांव का व्यक्ति सोचा मेरा बेटा इधर कहीं रहता होगा, एड्रेस लेकर चला और वहां गया जहां कथा हो रही थी शिव महापुराण की, जहां शंकर की कथा चल रही, मां बहुत गया, कथा में बैठ गया। और कथा में बैठकर कथा सुनी पूरी हुई, निकलकर जा रहा था प्रसाद लेकर, वहां से उसका बेटा गाड़ी पे जा रहा था, देख लिया उसने पिताजी खड़े, पिताजी को बिठाए ले गए, पिताजी तुम यहां कहां से आ गए, कहां घूम रहे हो, कथा में कैसे पहुंच गए। अरे बेटा, एक बेचारा काला कोट वाला खड़ा था, भगवान उसका भला करे, उसने मुझे यहां भेज दिया, अब उसको क्या मालूम क्या भगा दिया, भेज दिया और तू मुझे मिल गया, कितनी बड़ी बात है। बेटा ले गया पिता को, 21 साल के बाद में वह वकील साहब का सीताराम हो गया। वकील साहब ऊपर गए, चित्रगुप्त महाराज से पूछा, इनके पाप पुण्य बताइए कितने, तो कहा इन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करा, दिन भर झूठ 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 सब झूठ, तो फिर क्या करा जाए। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, एक पुण्य करा है इन्होंने, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया। धर्मराज बोले, रास्ता मस्ता नहीं दिखाया, उसको भगाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले, भले कुछ भी हो भगाया भी, पर इशारा तो उधर का ही कराना, चल चल उधर जा, इशारा तो वहीं का कराना, झांका तो हो रही थी, तो क्या करा जाए। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि अब भगवान से पूछा जाए, भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसको बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बैकुंठ का रास्ता दिखा दो, ये वहां जाए, केवल मार्ग बता देना, केवल मार्ग तक पहुंच जाना बहुत है। आपने किसी को कहा शिव महापुराण की कथा हो रही है, अच्छा टीवी पर आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, ओ हो जबी, तो हम तो 2 बजे खोले, हमको क्या मानता है 1 बजे चालू होगी, 1 बजे से 4 बजे तक। अरे देखो, तुमने केवल फोन लगाकर बोला, तुमने अपने रिश्तेदारों को केवल एक मैसेज कर दिया, 1 से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए, तुमने तो केवल मैसेज डाला, तुमने तो केवल बताया उसको। अब उसने जो सुनना चालू करा, श्रवण करना प्रारंभ करा, उसका फल तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया, थोड़ा सा तो गया।
हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों।